फिलहाल मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत लाइव जुड़ रही हैं। सुप्रिया, स्वागत न्यूज 24 पर। बहुत धन्यवाद मानव जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। मुस्कुराते तो रहना चाहिए, कहते हैं उम्र के लिए अच्छा होता है। लेकिन मैं आपका एक वीडियो देख रहा था कल का, जिसमें आप काफी भावुक हो गई थी। आपके लिए मुस्कुराने के साथ साथ भावुक पल भी है, लगता है। बहुत भावुक पल है और दो कारणों से भावुक है। पहला भावुक इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा से बचपन से एक विश्वास अपने देश की जनता पे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता थोड़ा बहुत इतर उतर करके वापस तो नैतिक धुरी इस देश की उस पर ले आती है इस देश को, और कल फिर से हिंदुस्तान ने वो किया। तो जनमत पर, जनता के विवेक पर, जनता की समझ को देखकर आप भाव विभोर हो जाते हैं, आप झुक जाते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ओवरवेलम हो जाते हैं। और कहीं पर लगा कि मेरे देश ने एक बार फिर से अपने आप को बचा लिया। और दूसरा भावुक होने का कारण शायद ये था कि मैंने राहुल जी को बहुत क्लोजली और बहुत शिद्दत से और बहुत साहस से और पूरी ईमानदारी से लड़ते हुए देखा है, बिना घृणा के, बिना नफरत के। वो तो हम लोगों से भी, हम भी कभी गुस्सा होते कहते इसमें क्या गुस्सा होने की बात है, सीखो उन लोगों से, ऐसे नफरत की बात मत किया करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कल खुश देखकर, ये जीत उनकी जीत है, ये जो नंबर आए हैं ये उनकी यात्रा के नंबर है, ये नंबर उनकी मेहनत से आए हैं, ये उनकी लगन के हैं और ये उनके संविधान में अटूट विश्वास के नंबर है। तो वो देखकर मैं थोड़ा भावुक थी जब मैं ऑफिस पहुंची पूरे दिन के बाद AICC से, तो ऑफिस वाले गर्मजोशी से स्वागत करते थे। सुप्रिया, आपने दो कारण बताए ना, तीसरा कारण मैं बता देता हूं। तीसरा कारण ये है, आपके नेतृत्व में आपकी सोशल मीडिया टीम ने जबरदस्त काम किया है पिछले साल भर में, दो साल में, क्योंकि बीजेपी पहले सोशल मीडिया किंग मानी जाती थी और आपके आने के बाद उसमें नई जान आई कांग्रेस की सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी में। क्या आपके लिए एक निजी तौर पर भी एक कामयाबी है? मुझे लगता है हम सबको जो जो जिम्मेदारी दी जाती है अगर वो बखूबी निभा ली जाए, और बहुत लोगों ने सराहना करी, और शायद उसका एक कारण पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन जब बताई देती हूँ, नेशनल टीम पर ही बता देती हूँ। मुझे मतलब राहुल जी कभी कभी सराहना कर देते हैं, प्रियंका जी कर देती है, अध्यक्ष जी कर देते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कल जब मैम निकली तो उन्होंने स्पेशली मुझे रुककर कहा कि सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया और मैंने देखा है आप लोग का, सोनिया जी ने, तो मुझे बहुत सोनिया जी ने, तो वो मेरे लिए शायद मे भी उसकी वजह से, तो मैं बहुत भावुक थी। और जब मैं वापस आई मैंने अपनी टीम को देखा, और टीम के साथ साथ मैं यहाँ पर अपने वॉलंटियर्स का भी थैंक करना चाहती हूँ। हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम कोई पेड इन्फ्लुएंसर्स को लाते नहीं है, और वॉलंटियर्स ने जो शिद्दत दिखाई, जो मेहनत दिखाई और जिस उससे ईमानदारी से वो लगे रहे, तो कहीं पर ओवरवेलमिंग हो जाता है मेरे ख्याल से। ओके, अब थोड़ा राजनीति की बात करते हैं।